गुजरात के बाद में, क्योंकि कच्छ का रण का इलाका था, वहीं से राजस्थान के अंदर एंट्री ले ली है। रात को जो बाकासर इलाका, वहां से एंट्री ली है। अभी जिस मैं बाड़मेर के अंदर खड़ा हूं, जहां पर हवा चल रही है, अभी बारिश हो रही थी, बारिश कुछ रुक रुक कर यहां पर बारिश हो रही है, लेकिन जो हवा की स्पीड है वो तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन ये स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी, ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन दोपहर तक बाड़मेर के अंदर यहाँ पर भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। इसके लिए बाड़मेर में अलर्ट किया गया। अभी कुछ देर पहले प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकले बिना काम। हालांकि ट्रैफिक जैसी बारिश रुकी फिर शुरू हुआ। बाड़मेर की सड़कों पर कई जगह पर पानी भी नजर आ रहा है, लेकिन अभी लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। ऊपर की तरफ आसमान में देखेंगे कि आप तो जो बादल दूसरी तरफ जो गुजरात की तरफ से आ रहे हैं, कच्छ के रण की तरफ से, वो तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर जो सबसे बड़ा अलर्ट है वो बाड़मेर के अंदर है, बाड़मेर के अलावा जालौर के अंदर है, 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेड अलर्ट है। बाड़मेर से कनेक्ट होने वाली ट्रेनें सारी आज रद्द कर दी गई है। तमाम हमारे पास बाड़मेर के लोग भी हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके की आपको लगता है कि ये जो आज के लिए अलर्ट दिया गया, डर है थोड़ा सा? बहुत ज्यादा डर है। इसमें लगता है कि दुकानें उकानें बंद रखनी पड़ेगी आज, क्योंकि आज मौसम बहुत खराब है।